कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से रूस भी बेहाल है। यहां हर रोज इस खतरनाक वायरस से रिकॉर्ड लोगों की मौत हो रही है और सबसे ज्यादा बुरा हाल राजधानी मॉस्को का है। 13 जुलाई को रूस में 780 से ज्यादा लोगों की जान गई है। दुनिया भर में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा करने वाले रूस का पीछा ये वायरस छोड़ने को तैयार नहीं है। रूस इन दिनों कोरोना वायरस की तीसरी लहर का सामना कर रहा है और इस बार यहाँ संक्रमण के बदले रूप डेल्टा वेरिएंट का कहर टूटा है। पिछले एक हफ्ते से रूस में संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हर रोज होने वाली मौतों का ये आंकड़ा पुराने सभी आंकड़ों से ज्यादा है। रूस में हर रोज 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, जबकि हर रोज 25,000 नए संक्रमितों की पहचान भी देश के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। यहाँ अब तक कुल 58,33,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,44,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 52 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने खतरनाक कोरोना वायरस को मात देने में कामयाबी हासिल की है। रूसी अधिकारी इसके लिए वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार और कोरोना के नए रूप डेल्टा को जिम्मेदार बता रहे हैं। देश की राजधानी मॉस्को में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर टूटा है। बढ़ते संक्रमण के मामलों के बावजूद रूसी राष्ट्रपति ने जून के आखिर महीने में ही ये साफ कर दिया था कि देश में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। अब देखना ये है कि रूसी सरकार कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का सामना कैसे करती है। आज तक ब्यूरो।